जनपद रामपुर की कोतवाली सुवार के गांव धनपुरा शादरा में आज घरेलू सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई, जिससे मकान और उसके आसपास अफरा तफरी मच गई। मकान में आग लगने की सूचना तुरंत उपजिलाधिकारी सहित पुलिस को दी गई, जिससे उपजिलाधिकारी सुवार और पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी गांव पहुंची और भयानक आग पर काबू पाया। आपको बता दें, घरेलू सिलेंडर लीक होने से आग लगी। उसके पास में ही कृषि कार्य हेतु 15 लीटर डीजल की कैन रखी थी, जिससे उसमें भी आग लग गई और उसके बाद घर में कुछ ट्रैक्टर के पुराने टायर भी रखे थे, उन टायरों में भी आग लग गई। इस वजह से घर में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उपजिलाधिकारी के मुताबिक इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, बस घर में आग लगने से माली नुकसान जरूर हुआ है, जिसका आकलन अभी होना बाकी है। सुवार का एक गांव धनपुर सादरा है, जहां मुझे जो है आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त हुई, मैंने तत्काल जो है फायर ब्रिगेड को सूचित किया और अपनी राजस्व टीम को सूचित किया। तत्काल हमारी टीम पहुंची और आग बुझाने की पूरी कार्रवाई की। आग जो है उस्मान पुत्र नूर मोहम्मद के घर में लगी थी, जिसमें किसी प्रकार की जो है जनहान नहीं हुई, केवल घरेलू सामान जला है। आग लगने का मुख्य कारण जो है सिलेंडर जो है घरेलू सिलेंडर जो है जिससे खाना बनाया जा रहा, लीकेज हुआ। लीकेज होने के कारण वहीं पास में जो है कृषि कार्य हेतु जो है उस्मान का जो है डीजल रखा था 15 लीटर ये किसी उसमें टैंक में, तो उसमें जब उसमें आग लगी तो उसमें आग लग गई जो डीजल में भी, और डीजल में आग लगने से थोड़ा ऊपर जो दीवार पर जो है टायर रखे थे और टायरों ने ज़बरदस्त आग पकड़ ली, जिससे जो है आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। तो सर कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? कोई जान माल को किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल जो है उस्मान जो है अपना सामान निकालते समय थोड़ा बहुत झुलसे हुए हैं, जिसको मैंने जो है उनको तुरंत जो है CSC सुवार में भेजकर उनका जो है इलाज करवाना सुनिश्चित किया है। बाकी सब सर ठीक ठाक? हाँ, बाकी किसी प्रकार की जनहान नहीं, किसी प्रकार की पशुहान नहीं, और घर में भी कोई नुकसान नहीं, केवल घरेलू सामान जला हुआ।